उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। वैसे तो सरकार की तरफ से पहले ही मुख्तार अंसारी की सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन अब खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी सहित पूरे जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर और पैनी निगाह रखी जाएगी। आसपास सीसीटीवी के साथ अब जेल का जो स्टाफ है वो बॉडी कैमरे से लैस होगा, यानी अब मुख्तार और उसके आसपास की सुरक्षा में लगा स्टाफ हर समय अपने कपड़े पर लगे कैमरे से नजर रखेगा। वैसे तो जेल कैंपस के आसपास सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा के पूरे इंतजाम पहले से ही हैं, लेकिन अब जेल कैंपस की प्रत्येक गतिविधि के साथ साथ मुख्तार अंसारी की हर गतिविधि पर पैनी नजर होगी और निगरानी के साथ साथ सब कुछ रिकॉर्ड भी होगा। मुख्तार की सुरक्षा में सीसीटीवी के अलावा एक शिफ्ट में करीब आधे दर्जन जेलकर्मी तैनात रहते हैं। वैसे मुख्तार अंसारी हमेशा कोर्ट में अपनी सुरक्षा में कोताही और जेल प्रशासन पर बदसलूकी का आरोप लगाता रहा है, जिसके बाद सरकार ने जेल प्रशासन को कड़े निर्देश भी दिए थे। उसी के तहत तन्हाई बैरक जहां पर मुख्तार अंसारी बंद है वहां सीसीटीवी सहित दूसरी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन अब जेल प्रशासन का स्टाफ अपने कपड़े पर भी कैमरा लगाएगा और उससे मुख्तार अंसारी की पूरी गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें कि एक साल पहले मुख्तार को पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट किया गया था, तब से यहीं तन्हाई बैरक में मुख्तार बंद है। जेल प्रशासन मुख्तार की तन्हाई बैरक के आसपास सीसीटीवी और सुरक्षा दोनों ही लगा चुका था, जिसकी निगरानी लखनऊ मुख्यालय से भी होती रही है। पिछली पेशी के दौरान मुख्तार ने जेल कर्मियों पर खुद के साथ बदसलूकी का आरोप भी लगाया था। हाल ही में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने भी सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर अब प्रशासन मुस्तैद हुआ है और सरकार की तरफ से ये निर्देशित किया गया है कि बांदा जेल में सुरक्षा कर्मी बॉडी कैमरे से लैस होंगे और वो कैमरा उनकी वर्दी में लगा होगा। बैरक के आसपास की हर गतिविधि इस कैमरे में कैद होती रहेगी और इन कैमरों को सीधे लखनऊ मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। वहां बैठे अधिकारी 24 घंटे मुख्तार पर पैनी नजर रखेंगे। ये कैमरे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भी होंगे, इसलिए इसमें नाइट विजन मोड भी होगा जो कि रात में भी निगरानी रख सकेगा। इस बात की पुष्टि डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी ने की है। त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश के 5 जिलों में बॉडी कैम को तुरंत लगाने के निर्देश आए हुए हैं, जिसमें बांदा जेल भी शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि मुख्तार की सुरक्षा में लगे जवान बॉडी कैम से लैस होंगे और सुरक्षा की दृष्टि से उसकी हर गतिविधि पर नजर भी रखेंगे। पिछले कई दिनों से योगी सरकार का चाबुक मुख्तार अंसारी पर चल रहा है। मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार और करीबियों पर योगी प्रशासन की कार्रवाई देखने मिल रही है। पिछले ही दिनों कुछ जमीन की कुर्की भी की गई जो कि मुख्तार की मां के नाम पर थी। इससे पहले मुख्तार के कई रिश्तेदारों के अवैध निर्माणों पर भी योगी सरकार का बुलडोजर चला है। इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई भी मुख्तार के तमाम रिश्तेदारों के साथ हो रही है, पर इन सब के बीच उत्तर प्रदेश प्रशासन मुख्तार अंसारी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं चाहता। इस वजह से अब उसकी सुरक्षा में लगे सभी अधिकारी अपनी वर्दी में लगे अत्याधुनिक कैमरे से लैस होंगे। वीडियो डेस्क डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।